हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू क्लास नाइन्थ स्टूडेंट। लुक एट हियर, ऑन प्रीवियस डे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट मोमेंटम एंड आई हैड टोल्ड यू दैट टू अंडरस्टैंड टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी शुड first know the meaning of the term momentum of a moving body or a moving object, and we have concluded that p is equal to m into v, means momentum is equal to mass into velocity. So if a body is at rest, its velocity is zero and therefore its momentum is also zero. यदि बॉडी का वेलोसिटी जीरो होगा तो उस बॉडी का मोमेंटम भी जीरो होगा। देयरफॉर द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग इज जीरो। कोई राइफल है और उसमें बुलेट लोड किया गया है तो राइफल और बुलेट का टोटल मोमेंटम, राइफल को फायर करने के पहले क्या होगा, टोटल मोमेंटम शून्य होगा, शून्य शून्य अर्थात जीरो होगा, बिकॉज देयर वेलोसिटी इज जीरो। न राइफल में कोई वेलोसिटी है न बुलेट में कोई वेलोसिटी है, इसलिए जीरो होगा। सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और मोमेंटम क्या होता है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है ना, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है। वी हैव जस्ट सीन दैट मोमेंटम। और देखिए फ्रिक्शन क्या होता है, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, मोमेंटम वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। वी हैव जस्ट सीन दैट मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, हमने देखा यहां कि ये मोमेंटम जो है, ये दिस मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, है ना, मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम बराबर मास गुणे वेलोसिटी होता है। हम लोग देख सकते हैं मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि एम, ये जो है मोमेंटम हमको मानते हैं यहां, ये मोमेंटम पी इक्वल टू एम इनटू वी, ये हमने देखा एम इंटू भी, है ना, मास इंटू वेलोसिटी होता है ये मोमेंटम। तो इस बात को हम समझ गए। तो अब हम देखते हैं क्या कि मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है। तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास का ऐसा यूनिट तो केजी होता है, इंटू है तो इंटू हो जाएगा, और वेलोसिटी है, वेलोसिटी का ऐसा क्या, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ये होगा केजी इंटू मीटर पर सेकंड, मीटर का शॉर्ट पर एम हो गया स्मॉल एम, बाय पर सेकंड, सेकंड का ये पर का हुआ प्रति, और ये हो गया है ना सेकंड का, मीटर पर सेकंड होता है। तो ये हो गया, और वी कैन राइट, और वी कैन राइट द एसआई यूनिट ऑफ, है ना, द एसआई यूनिट ऑफ ये मोमेंटम, है ना, इक्वल टू क्या होगा केजी, है ना, और उसके बाद इनटू मीटर टू द पावर माइनस वन, ये सॉरी मीटर, है ना, इनटू सेकंड टू द पावर माइनस वन, तो ये हो गया। इसका मतलब हो गया क्या, मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर, यही मीटर पर सेकंड हो गया, यही, है ना, ये बराबर इसके हो, है ना, मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका क्या है, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है, सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल यूनिट। एवरी मूविंग बॉडी पोजेसेस मोमेंटम वी नो वेरी वेली। हर मूविंग बॉडी क्या रखता है, मोमेंटम रखता है। सिंस मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, हमने देखा कि मोमेंटम डिपेंड करता है बॉडी के मास और वेलोसिटी पर। सो अ बॉडी विल हैव अ लार्ज मोमेंटम, किसी बॉडी का लार्ज मोमेंटम कब होगा, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा मोमेंटम कब होगा, बॉडी का बड़ा मोमेंटम तब होगा जब उस बॉडी का मास बहुत ज्यादा होगा अथवा वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा अथवा
मास ऑफ वेलोसिटी दोनों है ना बड़ा होगा. सो वी कैन से है ना दैट अ बॉडी विल हैव अ लार्ज मोमेंटम है ना इफ इट्स मास इज लार्ज है ना. वन ए नंबर में इफ इन नंबर ए में इन ए इफ इट्स मास इज लार्ज इन बी इफ इट्स वेलोसिटी इज लार्ज या तो मास लार्ज हो नहीं तो वेलोसिटी लार्ज हो और इन सी इफ बोथ इट्स मास एंड वेलोसिटी आर लार्ज सब लार्ज हो. वी विल नाउ डिस्कस सम एवरीडे सिचुएशंस व्हिच इन्वॉल्व लार्ज मोमेंटम्स. लार्ज मोमेंटम वाले प्रतिदिन के सिचुएशन के बारे में हम थिंक करेंगे. तो हमने क्या देखा हमने देखा एवरी मूविंग बॉडी पॉजिटिव मोमेंटम. क्या देखा हमने एवरी मूविंग बॉडी पॉजिटिव है ना क्या होता है पॉजिटिव मोमेंटम हर मूविंग बॉडी में मोमेंटम होता है. और भी हमने क्या देखा हमने देखा कि अ बॉडी विल हैव अ लार्ज मोमेंटम इन थ्री सिचुएशन. अ बॉडी विल हैव अ लार्ज मोमेंटम a large momentum in which situation है ना. ए में क्या है ना लार्ज मोमेंटम कब होगा लार्ज मोमेंटम होगा नहीं इफ इट्स मास इज लार्ज इफ इट्स मास इज लार्ज है ना मास अगर लार्ज होगा तो. और बी में देखिए इफ इट्स वेलोसिटी यदि इसका वेलोसिटी जो है इफ इट्स वेलोसिटी है ना इज लार्ज वेलोसिटी स्पीड लार्ज हो जाए और क्या होगा और सी में देखिए इफ इट्स मास एंड वेलोसिटी बोथ आर लार्ज दोनों लार्ज होगा तो ऐसा होगा. ठीक है अब हमको देखना है कि यहां बड़ा मोमेंटम है ना के विषय में हमको जानना है देखना है. सो वी विल नाउ डिस्कस सम एवरीडे सिचुएशंस विच इन्वॉल्व लार्ज मोमेंटम. अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स और अ स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड. एक कराटे प्लेयर जो है वो क्या करता है कि तोड़ सकता है टाइल्स के एक पाइल को थाक को सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड से तोड़ सकता है कराटे प्लेयर है ना. या आइस का कोई स्लैब हो आइस स्लैब तो उसको भी सिंगल है ना ब्लो ऑफ हैंड से है ना ब्लो ऑफ हिज हैंड से तोड़ सकता है. बट व्हाई दिस हैपेंस बिकॉज अ कराटे प्लेयर स्ट्राइक्स द पाइल ऑफ टाइल्स और द स्लैब ऑफ आइस विद हिज हैंड वेरी वेरी फास्ट. इन डूइंग सो द लार्ज मोमेंटम ऑफ द फास्ट मूविंग हैंड इज रिड्यूस्ड टू जीरो इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम है ना बहुत शॉर्ट समय में. दिस एक्सर्ट अ वेरी लार्ज फोर्स ऑन द पाइल और बहुत ही शॉर्ट समय में है ना क्या होता है कि लार्ज मोमेंटम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है जीरो तक.
है ना, बहुत ही बहुत बहुत शॉर्ट समय में, जिसके कारण एक बहुत बड़ा जो है ना ये फोर्स जो है वो एग्जर्ट होता है ना पाइल ऑफ टाइल्स पर या आइस स्लैब पर, विच इज सफिशियंट टू ब्रेक देम अपार्ट, जो उसे तोड़ने में है ना पर्याप्त होता है। सो द लार्ज मोमेंटम ऑफ द फास्ट मूविंग हैंड इज रिड्यूस्ड टू जीरो इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, दिस एक्सर्ट अ वेरी लार्ज फोर्स ऑन द पाइल ऑफ टाइल्स और द आइस स्लैब विच इज सफिशियंट टू ब्रेक देम अपार्ट। नाउ वी हैव टू नो अबाउट दिस फैक्ट दैट दाउ अ क्रिकेट बॉल इज नॉट वेरी हैवी, बट वेन इट इज थ्रोन विद हाई स्पीड और हाई वेलोसिटी वी कैन से इट एक्वायर्स अ वेरी लार्ज मोमेंटम एंड समटाइम्स हर्ट्स द बैट्समैन, बैट्समैन को हर्ट कर देता है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मोमेंटम होता है, संवेग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका वेलोसिटी या स्पीड कहें है ना बहुत हाई होता है क्रिकेट बॉल का, जो बॉलर फेंकता है ना बैट्समैन के लिए। दिस इज व्हाई अ बैट्समैन ऑफन डक्स टू अ बाउंसर है ना। ऑन द अदर हैंड अ कार और बस मे नॉट बी रनिंग एट अ हाई स्पीड और हाई वेलोसिटी, बट बिकॉज ऑफ इट्स हाई मास इट हैज अ वेरी हाई मोमेंटम विच मे हर्ट द पर्सन कमिंग इन इट्स वे। कोई कार है या कोई बस है, अगर वह अगर उसका स्पीड हाई नहीं है पर उसका मास बहुत हाई है तो उसमें बहुत हाई मोमेंटम होगा, और उसके सामने में अगर कोई व्यक्ति कोई पर्सन आता है तो उसको काफी जो है क्या करेगा कि हर्ट करेगा, गहरे रूप से हर्ट करेगा है ना, डीपली हर्ट करेगा, सीवियरली हर्ट करेगा। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट रोड एक्सीडेंट्स एट हाई स्पीड्स आर वेरी मच वर्स देन एक्सीडेंट्स एट लो स्पीड्स। हाई स्पीड में जो व्हीकल्स होते हैं और उनके द्वारा जो रोड एक्सीडेंट होता है वो बहुत गंभीर सीवियर होता है, बहुत वर्स होता है, बहुत खराब बुरा है ना ये एक्सीडेंट होता है। दिस इज बिकॉज द मोमेंटम ऑफ व्हीकल्स रनिंग एट हाई स्पीड्स इज वेरी वेरी हाई एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द व्हीकल्स एंड इंजरीज टू पैसेंजर्स ड्यूरिंग द कॉलेजन। ये जब हाई स्पीड में व्हीकल्स जो हाई स्पीड में रन कर रहे हैं अगर वो है ना अगर उनमें कॉलेजन होता है ना वो कोलाइड करते हैं कॉलेजन होता है तो क्या होगा, उसमें जो पैसेंजर्स है उसको बहुत सीवियरली इंजरीज कॉज करेगा और व्हीकल्स को काफी जो है सो बहुत ज्यादा डैमेज होगा, व्हीकल भी डैमेज हो जाएगा। सो वी आर अफ्रेड ऑफ अ मूविंग क्रिकेट बॉल और अ रनिंग व्हीकल एंड, और हम रोड के किनारे चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं क्योंकि वी आर अफ्रेड ऑफ रनिंग व्हीकल। और फिर बैट्समैन भी केयरफुल होते हैं क्रिकेट के फील्ड में है ना, क्योंकि दे आर अफ्रेड ऑफ अ मूविंग क्रिकेट बॉल, देयरफॉर ऑलवेज दे आर केयरफुल। तो इस तरह से हमने देखा है ना कि रनिंग व्हीकल जो है और ये रन करता हुआ क्रिकेट बॉल जो है ना मूविंग क्रिकेट बॉल रनिंग व्हीकल बहुत सीवियर इंजरी कॉज करता है, साथ साथ डैमेज भी व्हीकल को बहुत ज़्यादा होता है। क्यों क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ देयर मास एंड वेलोसिटी, उनका कंबाइंड इफेक्ट होता है मास ऑफ वेलोसिटी का, क्योंकि मास ऑफ वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट को मोमेंटम कहा जाता है। ऑब्जेक्ट जो हाई स्पीड में है और उसमें कुछ मास है तो उसके मास और उसके स्पीड के यानी वेलोसिटी के क्या कहते हैं प्रोडक्ट को ही मोमेंटम कहा जाता है, जो हमने यहाँ देखा है ना, यहाँ मास ऑफ वेलोसिटी का प्रोडक्ट यहाँ मोमेंटम भी है ना, तो उसे हम मोमेंटम कहते हैं। इसलिए जब मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट होगा तो इफेक्ट लार्ज होगा और इस लार्ज इफेक्ट को ही लार्ज मोमेंटम कहेंगे है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मास और वेलोसिटी का जो कंबाइंड इफेक्ट जो है जो प्रोडक्ट है
मैंने उसको हम क्या किया, वी हैव टेकन इनटू अकाउंट बाय अ फिजिकल क्वांटिटी एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. सो इन फैक्ट मोमेंटम इज कंसीडर्ड टू बी अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी. मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज कंसीडर्ड टू बी अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. मतलब मोमेंटम जो है वो मेजरमेंट है, हाँ, एक क्वांटिटी का, किसके किस क्वांटिटी का, बॉडी के, मूविंग बॉडी के मोशन के क्वांटिटी का मेजरमेंट है मोमेंटम. वी कैन फील दैट मोमेंटम इज इफ वी हैपन टू कोलाइड विथ अ पर्सन रनिंग एट टॉप स्पीड. मोमेंटम को हम समझना चाहते हैं तो हम समझ सकते हैं, आप वैसा नहीं करेंगे. पर यदि कभी आप किसी बहुत तेजी से दौड़ते हुए अपने फ्रेंड से टकरा जाते हैं, तब आपको, है ना, उस फ्रेंड के बॉडी का मास और उसके स्पीड का प्रोडक्ट जो मोमेंटम होता है, उस मोमेंटम की बात समझ में आ जाती है, जो बहुत, है ना, गहरी चोट लगती है उससे. नाउ वी हैव टू सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोमेंटम अबाउट विच वी विल डिस्कस टुमारो. नाउ यू हैव टू राइट दैट मोमेंटम इज कंसीडर्ड टू बी, मोमेंटम इज कंसीडर्ड Momentum is considered. Momentum is considered to be a measure of the quantity of motion of a moving body. Quantity of motion of a moving body. ये बात समझ में आई हमको, है ना. तो अब इस मोमेंटम के बारे में, अबाउट मोमेंटम वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड अबाउट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वी विल डिस्कस टुमारो. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड आई थिंक दैट दिस मच इज एनफ फॉर ऑल ऑफ यू. आपको पढ़ेंगे, इसे तैयार करेंगे और आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया. अब आप लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना, ये जो है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसका जो ये पार्ट है चैप्टर टू फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का यह पार्ट, उसका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक्सरसाइज का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल हॉट्स, ये सब आप सॉल्व करेंगे. उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, है ना, विच अबाउट विच वी विल डिस्कस टुमारो. कल हम इस पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा, जो बनेगा मोमेंटम पर, उसको समझा देंगे. और उसके बाद होमवर्क तो मैंने आज नहीं दिया, और उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, मैं पढ़ूंगा आप लोग. ओके, थैंक यू.